नमस्कार आम कार्यक्रम चेक द इंडिया को स्वागत करीमा टोकियो ओलंपिक रे वर्तमान देखा मिली भारतीय हॉकी रो जादू दीर्घ 41 वर्ष माने 4 दशंधि पर उभय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम पहुंचती सेमीफाइनाल एवं सबुठ बड़ कथा होची ग्रेट ब्रिटेन पर दल को भारतीय हॉकी टीम परास्त कर सेमीफाइनाल पहुंची बेले विश्वर द्वितीय नंबर स्थान रही ऑस्ट्रेलिया दल को हरई महिला हॉकी टीम पहुंची सेमीफाइनाल तेणु बर्तमान विजय उत्सव पालन चलती समस्ते आशा रखिंट कि उभय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम निश्चित भारत पर पदक आणवे और यहाँ गोटे खुशी मुहूर्त कि प्रथम थर पर महिला हॉकी टीम सेमीफाइनाल प्रवेश करपटे जी आम देखा रियो पर जो भाव में भारतीय हॉकी टीम जो 5 वर्ष भितर निजर परफॉर्मेंस को डेवलप करम बैक् कर प्रदर्शन देखा मिली ब्लू टर्फ रे टोकियो निश्चित भाव में प्रशंसा योग्य तेणु इस संपर्क में आम आलोचना करवा आम सहित आलोचना पर रही पूर्वतन हॉकी खेला लाजरुस बाला रही आम सहित रही अमूल्य बिहारी कोच रही हॉकी कोच आम सहित रही मिल्टन बिलोंग रही हॉकी कोच सहित उभय टीम को चेयरअप करने आम सहित रही सिंगर रही जागृति मिश्रा आप समस्त स्वागत कर आलोचना को लाजरुस प्रथम आपको जीवाई चाहिए पूर्वतन हॉकी खेला सहित आप जे ओलंपियाड तो केमी अनुभव होना महिला हॉकी टीम रो खेल को देखला मान गोटे कथा मन पड़ी चक दे इंडिया मूवीर से डायलग हमारी छोरी छोर से कम है के तेणु निश्चित भाव में ये महिला हॉकी टीम जहाँ पर केवे आशा करा जाए नथला अंडरडॉग हिसाब से आपको गणा जाता से आज फाबुलस परफॉर्मेंस देखते ब्लू टॉफ रे लाजरुस हाँ निश्चय आपड़ जमी कहते अंडरडॉग निश्चय समस्ते कहते जमीक लीग मैच जदि देखू तो इंडिया वुमेन्स दल बहुत परफॉर्मेंस एत बहुत भल ना आमती लास्ट मैचेस को जाऊँ जमीक लास्ट टू मैचेस थिला से बढ़िया प्रदर्शन कले आमती क्वालिफाई करगले आपणकर क्वार्टर फाइनाल तो आम मोर कि विश्वास है जहाँ भी क्वार्टर फाइनाल क्वालिफाई करें कहीं जना यही जो जो सिस्टम करते गोटे पुल रु चार्टा जो टीम बाहर बोल से चार्टा टीम रे निश्चय इंडिया रही बोल के मोर आशा थी आमती जो हिसाब से खेलले किंतु बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर बहुत मेहनत कर लास्ट रे ही जो लास्ट टू मैचेस रे लीक रे ही आमको देखा मिलला जो हाँ इंडिया टीम महिला दल किसी करा कलापर आम क्वार्टर फाइनाल को पहुँची लाजरुस ताले से 70 मिनिट लास्ट 70 मिनिट 4 क्वार्टर शेष क्वार्टर जहाँ को उपयोग कर महिला हॉकी टीम एवं पूरा भरपूर यूटिलाइज कर प्रथम 3-4 मैच जो आम देखिले भारतीय महिला दल प्रदर्शन एत आशाजनक ना कि आशा ही कहीं कर बट तापर जो जबरदस्त कम बैक् खासकर जब आम देखा आयरलैंड को हरेबा साउथ आफ्रिका को हरेबा ऑस्ट्रेलिया को मैंने हरेबा बर्तमान सेमीफाइनाल को जीवा और सामना कर बर्तमान जब देखा अर्जेंटीना सहित अर्जेंटीना एमती भी जब देखा गोटे डिफेंडिंग चैंपियन दल तेणु केते सहज हम महिला हॉकी टीम को एत सहज हेबनी किंतु आपड़ जब देखिए आप जो मैचटा जो लीग मैचटा जो जीतिले गोटे फास्ट फास्ट मैचटा आपड़ जब जीतिले से 1-0 जीति सेकेंड मैच साउथ आफ्रिका को 4-3 जीति क्वार्टर फाइनाल क्वार्टर फाइनाल आप जानते ये तीन थर चंपियनशिप ओलंपिक चंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया दल वर्ल्ड कप भी चंपियन काइंड ऑफ तो तांकर माने गोटे दाबीदार टीम थिला ऑस्ट्रेलिया ताकू बीट करवा 1-0 बीट करवा पूरा सेकेंड हाफ रे गोल करी से गोलटा को रक्षा करी माने टीम को बीट करवा एते सहज नुहे तेणु आज मैच जोटा देखिले कि जो तर मनोबल जो मनोबल थी बहुत दृढ़ थिला बहुत कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया थिला जमती गोटे गोल करदे सेकेंड हाफ सेकेंड क्वार्टर रे कॉन्फिडेंस आहरी बढ़ी बढ़ी गला आउ से माने एक्चुअली कौन हुए ना मैच रे जदि मैच गोटे टीम टा स्कोर करगला तापर कौन हुए ना से आर टीम दबावटा बढ़ी जाए तो जमी गोल कर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरा दबाव बढ़ी जाइए से तनाघना स्टार्ट करते जल्दी गोल कर चेष्टा करम भारत दल जो रक्षक अच्छा से बहुत बढ़िया हैंडल कर बहुत बढ़िया बाहर करी देखिए 8 प्लेंटी कर्नर पाई ऑस्ट्रेलिया दल 8 प्लेंटी कर्नर को गोटे भी गोल कर पारे ना से पूरा श्रेय जी आम डिफेन्स करुले जो आम प्लेयर्स मैंने श्रेय
ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଆଠଟା ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଗୋଲକିପର ବି ବିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ସେଭ୍ କରିଛି ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେଭ୍ କଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଭ୍। ଆର୍ ଗୁରୁଜିତର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଗୁରୁଜିତର ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଥିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆଉ ଯେ ସେ ଏତେ ତାର ଏତେ ଗୋଲ୍ଟା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲାଜାରସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଥିଲା ମହିଳା ହକି ଦଳର କମାଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ କଥା କହିବା ବେଶ୍ ଲଗାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗେଇବ। ଖାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଲକିପର ଜସପ୍ରୀତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ର ମେନ୍ ଟିମ୍ର, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଖେଳୁଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀଜେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି ଏଥିରେ ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଜେଶ ମାନେ ବହୁତ ସେଫ୍ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ବି ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରସର ଥିଲା ସେ ତାର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ରସର ସେ ଯେବେ ବି ବାହାରିଛି ଯାହା ମାନେ ବଲ୍ରେ ମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ବାଜିଛି ବାଜିଛି କିମ୍ବା ଗୋଳରେ ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନି, ତ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଶ୍ରୀଜେଶ ତ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି ଏଥିରେ ମାନେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୋଲିକି ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍ଠୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍ଠୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବାକି ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ମେ ବି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର କମି ଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲାକୁନା ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆର୍ ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ହେଇକି ଚାଲିଛି, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଏଇଟା, ସେ ପୁରୁଣା ଖେଳ ନଥିଲା ମାନେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଭୟ ଟିମ୍ର। ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରୀ ରହିଛନ୍ତି, କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସୁତ ବେହେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ସୁତ ବେହେରୀ କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 41 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେନ୍ସ ଟିମ୍ଟା ତ ଦେବାଳିତ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲସ୍ ଟିମ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ତିନି ତିନିଟା ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ୍ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଲ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ସ୍କୋର୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୋର୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଦବିକିରି ଖେଳିବା କଥା କି ନାହିଁ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଓନ୍ ଗେମ୍ ପୁରା ଯେମିତି ଖେଳିବା କଥା ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାବେଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ବି ଆମେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଟିମ୍ ଆମେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଖେଳିବାନି, ଆମେ ବି ଲଢ଼ିକିରି ଖେଳିବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ଲଢ଼ିକିରି ଖେଳୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାକେ ପୁରା ଯେତେ ସମୟ ଖେଳୁଛି ଲଢ଼ିକିରି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଯଦି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍କୁ ଆଉ ଆମର ହାଫ୍ ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ସବୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ଫିଲ୍ଡ ଆଟାକ୍ ହେଉ କି ଫ୍ଲାଙ୍କ ଆଟାକ୍ ହେଉ ଆଉ ନହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ହେଉ ଯେଉଁ ଆଠଟା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିହତ କଲେ, ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ଲାଙ୍କରୁ ରାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେମାନେ ଏତେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଗୋଲ୍କିପର ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି, ମାନେ ଗୋଲ୍କିପର ଭଲ ଖେଳିଛି, ତାପରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶେଖା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଗୁରୁଜିତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାର ଆଜି ମେନ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଲା, ମାନେ ସେ ଷୋହଳ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳଟା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେ କନ୍ଭର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଏଥର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଟୋକିଓରେ ତ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ନୂଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଅଛି, ଜୁନୁନ୍ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିତ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁକ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଡି ଲାଇନ୍ରେ ସିନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଟିମ୍ର, ଏବଂ ଯେଉଁ
जो गोल्स कोटा सही समय रे देखिया को मिले जोटा के आशा के कर नथांती गोलटा सही समय हे जाय तो जेहेतु आगु को सेमीफाइनल दबाव भी रहिबो कारण देखंतु बेल्जियम सहित पुरुष हॉकी टीम खेलिबो ऑलरेडी बेल्जियम सहित अनेक मैच त खेलि सछि टीम इंडिया किंतु टोकियो ओलंपिक रे मैच रे प्रेशर किछ अलगा रहिबो। निश्चित भाव में बेल्जियम टीम गोटे बहुत भल टीम आप जानते वर्ल्ड कप रे से चंपियन होते इंडियन टीम भी से मानते जो टीम आगु इंडियन टीम रहा बर्तमान जो स्ट्राटेजी मैंने खेलुँच आप सब जो आम आशा करूँ पेनाल्टी कर्नर में आम जितना जो देख लाक आम फिल्ड गोल जितु आप जानते तीन टा गोल जो आम करागला तीन टा गोल जो ग्रेट ब्रिटेन संगे तीन टा जाक फिल्ड गोल थी आम फिल्ड गोल को आशा करनु पेनाल्टी कर्नर पर भरोसा करूँ बर्तमान आप देखिए पेनाल्टी कर्नर भी बहुत भल अच्छी फिल्ड रे भी मैनेजमेंट आम बढ़िया अच्छी आज सब पिला निजर जमी खेल कथा मैंने कोचेस जो मैंने जो कोच ग्राम लीड अच्छा जो मैंने आनालीसीस करके जो प्रकार गाइड कर सी अनुसार पिला खेल मैक्सीम टाइम से रोटेसन नौ जोटा कि गोटे बहुत बड़ कथा कारण पिला सब पिला पूरा फुल स्ट्रंग दि जाऊँ परिश्रम करनि मिनट पांच मिनट फिल्ड भितर रहती से परिश्रम करते पांच मिनट भले पांच मिनट पूरा फुल दम खेलते पुणी आउट नुआ पिला नुआ एनर्जी अर्थात किसी भी मिस्टेक करने चाहूना टीम प्लेयर मैंने कारण मानते गोटे छोट भूल बहुत भारी पड़े एवं हे तो मैच रु आउट भी हो जाइपारती तेणु निश्चित भाव में यहाँ गोटे बड़ चान्स 41 वर्ष पर गोटे गोल्ड हाथेबापे आम सहित रही मिल्टन बिलुंग रही हॉकी कोच रही मिल्टन जी कौन कहे मानने गोल्ड जितने गोटे गोल्डेन अपॉर्चुनिटी उभय टीम पर पुरुष एवं महिला जदि गोटे छोट भूल हुए तो मैच रु निश्चित भाव आउट आदि निश्चित भाव में टीम हिसाब से पूरा एकदम रणनीति प्रिपेयर कर खेलिए तो निश्चित भाव में गोल्ड ठार् आमको कहीं दूरे पारे निश्चित भाव देख निश्चित भाव आम जमी आम टीम बर्तमान खेलुच्छे गोटे टीम हिसाब से टोटाल लोक जमी खेलु पूरा आगे जाऊँ पुणी समस्त डिफेन्स भी आउ पेनाल्टी कर्नर आम स्कोर हो पार ना कि आज फर्स्ट टाइम गुरजीत पेनाल्टी कर्नर को स्कोर करू कले थर्ड क्वार्टर में आम सब टे असुविधा हुए कितु एथर से मैंने थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर रे पूरा जान देखि खेली आमर जो झील अच्छे दीपग्रेस जे टोटल डिफेन्स को एकुटिया संभाल दौर आप देखु से कोच के सब्चिट करना टोटाल भरसा रखी मिल्टन जी सब बड़ कथा हूँ ये हॉकी टीम रे उभय जदि पुरुष कथा आम कहवा ताल जे रही आमर वीरेन्द्र लाक्रा कथा कहतु कि अमित रोहिदास अमित रोहिदास तो प्रशंसा सारा जातीय चैनल कराऊँगी वो विश्व स्तर में भी कराऊँगी जो डिफेन्सींग मुड रही आज डिफेंडर हिसाब से जमी भाव में खेलुँच अंपटे जी आम देखा जमी कहे नमिता टपो कि दीपग्रेस एका जदि नमिता टपो को रिजर्व खेला हिसाब रखाई बट दीपग्रेस एका आप जमी कहे पूरा पूरी कोच अलर्ट करवा दरकार नहीं से जानते कि कौन करार अच्छी पूरा टीम भरोसा कर तो गोटे ओडिया खेलाड़ी मानते गोटे प्रभाव देखा मिलूँ ओलंपिक रे निश्चित भाव अमित रोहिदास कहतु कि दीप ग्रेस आमर आगुरी जमी माइकल किंडो थिले चाइना गेट जमी कहते सेमती मैंने अमित रोहिदास को देखु जिते भी पीसी हो तापर समस्त टीम टोटाल भरोसा तापर सी के कनभर्ट कर देना गोल पेनाल्टी कर्नर पुणी से बॉल को लेकिन आगक भी जाऊँ पूरा सपोर्ट कर फॉरवर्ड को तो टोटल टीम ररोसा दुई खेला तो निहत भाव में संपर्क में आलोचना करवा जागृति मिश्र रही सिंगर आम साथ कारण उभय टीम को वर्तमान चेयरअप कर समय कारण 41 वर्ष पर आम स्वाद चाखिबार माने जो गोल जितबार जो मौका अच्छी ताको केबे भी हाथ छड़ा उभय टीम न करंतु सारा देश वर्तमान तांको पर नजर रखी एतिकरे केही भी संतुष्ट नहुंती कारण उभय टीम को ठारु वर्तमान आशा बहुत बढ़ी जाइए समग्र देशर कारण समस्ते चाहूंट कि 41 वर्ष पर जो सुजोग मिली सुजोग हाथ छड़ा न हो टोकियो ओलंपिक रे भारत उभय टीम महिला और पुरुष गोल जीति आसतु तेज
समस्या आलोचना समस्त रही अतिथि रही लाजरुस बाला रही अमूल्य बिहारी रही मिल्टन बिलुंग रही जागृति मिश्र सहित सिंगर रही जागृति निहती भाव में यहाँ गोटे ऐतिहासिक मुहूर्त समस्त खासकर महिला हॉकी टीम पर कारण प्रथम थर पर महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल प्रवेश कर ओलंपिक रे आज गर्ल आपंकर प्रतिक्रिया कौन रहा मत बहुत ही प्राउड फील हो बिकज फर्स्ट टाइम पे आमर इन इंडियन हिस्ट्री आमर विमेन हॉकी विमेन्स हॉकी टीम एवं मेल हॉकी टीम दु जन जाक जाइछंती ओलंपिक्स रे एंड सेमीफाइनल्स रे समान ऑस्ट्रेलिया को हरेकी जाइछन सो एटा गोटे बहुत ही प्राउड मोमेंटम समस्त पाई एंड बहुत एक्सपेक्टेशंस भी आसी जेहेतु फर्स्ट टाइम आम ओलंपिक्स एत ना करूँ आम हॉकी रे एंड बेसी प्राउड फील होछि बिकज आमर ओडिसार भी दु जन प्लेयर्स अछंदे सेठी सेथिपाई कि मु आशा करछि निश्चय बहुत किछि भलो हबा हम पई गोटे चक दे इंडिया मोमेंट आम फाइनली क्रिएट कर परबा डेफिनेटली तो जागृति ए मोमेंट आम चीयर अप करबा गोटे सुजोग खाते छोटा करबानी जागृति से जो एस्टोनिशिंग गोलटा बहुत ही भलो थला आज्ञा अबे टीम उभय टीम को चीयर अप करिवर एटा समय हमको नित नियति बापरे आपन थारे से चक दे इंडिया रे से जो गीत जाकी समस्त को मोरली बूस्ट अप करे एवं चीयर अप करे से गीत आपन मोर टिके सुनिबे निस्त भाबरे निश्चय निश्चय भाबरे यहां हर कदम कदम पे धरती बदल रंग यहां की बोली में रंगोली साथ रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीले चादर ताने अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला 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 देश रंगीला रंगीला निहती भाव में जमी आप कहले आम देश रंगिला आम मिजाज भी रंगिला और खासकर जब देखा एक हॉकी ही वर्तमान रंग आनी समस्त भितर कारण जो खेल को बर्तमान लोक भूली सारे जदि कंपेयर करवा आम क्रिकेट सहित किंतु ये उभय टीम प्रदर्शन बर्तमान समस्त आट्राक्शन बैक कर हॉकी को एवं हॉकी जहाँकि मैंने भारत जातीय खेल समस्त पुणी थे प्रति आट्राक्शन आसी कि हाँ हूँ तो ये दुईट टीम किसी कमाल कर देख पारती लाजरुस आप आसपाई चाहिए आपंक समय निश्चित भाव मन थी आप तो हॉकी ऑलरेडी ओलंपिक खेली सारी आपेष अभिज्ञता रही आपण समय जिते रखे ए बी सुबह कथा कथा होते आशीष बलाल कथा कथा होमती परफर्म करुते से समय एमती लगुच कि आपको देखला जसप्रीत श्रीजेश को देखला क्षमा कर श्रीजेश को देखला जमी लगुच श्रीजेश आपको दुईपाद बहुत आगे रही है जहाँ जो कह कूल कस्टमर अफ द गेम प्रकृति से प्रतिपादित कर लाजरुस देखो आशीष बलाल भी जगह बहुत बढ़िया खेलुले आपको ए बी सुबह भी आपगे बहुत बढ़िया खेलुले आपड़ जब देखिए 98 एशियन गेम्स मुझे मेम्बर थी से ए बी सुबह आशीष बलाल धनराज पिल्ले मुकेश कुमार अल लेजेंड प्लेयर्स मैंने से आम साउथ कोरिया टाइप रेकर्ड जीतिलु आउे आशीष बलाल दुईटा गोल सेव कर और आम से टूर्नामेंट चंपियन होती तो जगह सब निजे निजे पाखे निजे निजे बहुत लेजेंड अच्छा नो डाउट श्रीजेश भी सेमता खेलुचे श्रीजेश पूरा पूरा टीम पे पूरा एवं गोटे काइंड ऑफ जान कि से जदि सेव करीमटा आगक बढ़ुच्छे तो श्रीजेश बहुत मैंने प्रेसर भी अच्छे किंतु तांगे सांगे से बहुत बढ़िया खेली खेलिक आसान देखिए जहाँ आप कहले एकदम बिलकुल सत आम आशा करुच्छे दुईटा मैच अच्छे मुझे तो दुईटा मैच अच्छी तेणुक से दुईटा मैच में भी हूँ जी जान लगे खेलू जिते आसू से पैड्रे बाजू आ लाइक ना रिवर्स जाओ गोल को न आसू से आशा करी लाजरुस हॉकी स्टिक था टीम से तो खेल सुजोग मिल था ब्लू टफ रे से कहते दिल हमेशा जवान है नहीं कि मो दिल बेबे भी करे कि मुझे आउ टे मैंने यही टाइम रही था कि सो दैट मो टीम रही से खेली था जेटा सब बेले थाए मनरे जो हिसाब से परफर्मस कर तो आहुरी मनटा मानने दृढ़ हो जाए कि अरे भाई मत भी किसी करार अच्छे तो सेटा निश्चय रोटे आम गोटे प्लेयर्स आम मैंने बहुत मानने ये भल पाऊ हॉकी को भी बहुत मानने पैसन आमर लाइक हॉकीटा
हॉकी पे आम सब कि तो सैटा एमती लगे कि आप जहाँ कहले तुम सत कथा कहले कि मत लगुच मो एजा कम होता कि मुझे लगे पचीस कि पचीस तले रही था सो दैट मत मौका मिली था टोक्यो भूल टीम जाए कि खेली था सेमिफाइनल प्रवेश करेंगे आप गोटे भी कथ कहीदेवी जमीक आम सिडनी अलंपिक रे जाइलु 2000 मसीह आम भी बहुत क्लोज थी सेमिफाइनाल मानने जीवापी आपड़े खाली गोटे कथा मन पकईदे से सिडनी अलंपिक रे आम पुल रे आम आउ साउथ कोरिया सबू माने गोल फॉर गोल पॉइंट गोल अगेंस्ट एवरीथिंग बराबर सबू बराबर हो गला खाली आम साउथ कोरिया लीग मैच रे हमें हारी जाइथिलु तेणुकर आम सेमिफाइनल को क्वालिफाई कर पार्लु ना आम जब लास्ट मैच पोलैंड सहित वन ऑल ड्र कलु से 2-2 भी ऑल ड्र होता है हेले भी आमे सेमीफाइनल्स को उत्तीर्ण ही थांतो तो सेटा गोटे बहुत बढ़िया टीम भी थिला जो हो गया सो हो गया लाजरस पास्ट को तो मने पकेले निस्तह परे लागे कि कास किछि चेंजेस हे पातांदा सेते बेले एटा हे पातांदा बट आमे जदि प्रेजेंट कथा कहबा निस्तह परे ए टीम थारो बहुत किछि आशा कराउ छी लाजरस आ गोटे कथा पडो जाने पे चाहिबे जतले न्यूजीलैंड स्पेन कथा मे कहछे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना कथा कहछे कि ग्रेट ब्रिटेन कथा कहछे सबु टीम को हराई वर्तमान जदि हम देखिया बेल्जियम को भेटेबा भेटिबा को जाउछी टीम इंडिया तो लाजरस एबे भी जदि हम देखि पूरा क्लोजली मैच को देखा डिफेंडर तो बढ़िया खेलुंट निश्चित भाव में डिफेन्सींग मुड्रे रही बट एबे भी किसी लाकुना रही जाए टीम इंडिया रो सामर्थ्य आउ एबे भी दुर्बलता आप कौन देखुं देखो सब टीम लाकुना रोचे सब टीम दुर्बलता रोचे तो अपोनेंट टीम को आम अपोनेंट टीम दुर्बलता को आम को दृढ़ करने को पड़े निज साइड कि जो विकनेस अच्छे से विकनेस आमको फायदा उठेबार अच्छी सेम आम जो आम विकनेस थी से फायदा उठेबा से चेस्टा करेंगे तो एमती मैच आसे आम विकनेसटा को आम निजे को ही मानने लुचेवाक पड़ो कि आम से विकनेस आम देवुन विकनेस करने जमीक आमर अच्छी हॉट जोन में हॉट जोन आम ब्लॉक करने को खेल को पड़ो बेल्जियम सहित ऑलरेडी आम मैचेस गुड़ा भी बहुत खेली तापर आमर बॉल पोजीशन बॉल कंट्रोल आम से रखा निहाती दरकार आउर पछपटे माने डी एंट्री जोटा आम कह जो एंट्री कलापुर डी रे आम डिफेंडर कामटा बढ़ी जाए कामटा बढ़ी जाए इन द सेन्स कौन हुए जमती डी एंट्री कला मैंने छोट मोट फाउल हेले भी आप प्लेटी कर्नर हो जाए तापरे सेकंड थिंग हला जदी से डिफेंडर तानवे लाजरस जदी हम देखियो मिडफील्डर मध्ये बेस माने गुरुत्व रखुचंती पूरा मैच उपरे त कहबा कोले गोटे प्रकार भारतीय हॉकी टीम नु आशा सृष्टि को चीज त बिहारी आपन रे जाने पे चाहिबी इंडियन हॉकी टीम बोथ वुमेन एंड मेन गोटे नुआ आशा सृष्टि करछंती हॉकी प्रति हॉकी खेल प्रति खास करी टोक्यो ओलंपिक रे तो एबे गोटे मौका रही मौका जमी हाथ छड़ा न होगा उचित तेनाली कहली कि आम विकनेस केते दूर बर्तमान क्यारिय मैंने कार्य कर आवश्यकता रही सो दैट कि सेमिफाइनाल आम सिली मिस्टेक रु जमी बाद न पड़े निश्चित भाव कारण आम से मिस्टेकटा आम जो मिस्टेक होकर जो अपोनेंट टीम तार भी मिस्टेक भी होना से आम समस्ते मानते पूरा टीम ताले सजाग रहा कथा जे आमर जो छोट छोट मिस्टेक भूल गुड़ा होची ताकु निश्चित भाव आज से माने रेक्टिफाई करिवे कारण जो कोचेस और कोच अच्छा तंकर रूम रे जो वीडियो कैमरा वीडियो लगी पूरा डिटेल टाक से माने वीडियो एनालिसिस अच्छा से माने वीडियो देखिवे निश्चित भाव तंकर अपोनेंट टीम रो भी वीडियो देखिवे पूरा टीम बसिक देखिवो तापर एनालिसिस हो सेमती एते शीघ्र एते इजीली से माने छाड़ी देबे नै मैच को कारण मैच टा खेलबा पूर्व तार गोटे दिन आगु पूरा एनालिसिस हो कोचेस ड्यूटी अधिका पड़ जाए जो मैंने वीडियो एनालिसिस बढ़ी जाए से प्रति मूवमेंट को स्टडी करते प्रति मूवमेंट को बुझे दिखते कार भूल रहा से देखिए आम जब एक्चुअली आम टीम को देखा कि आप देखिए खेल आरंभ जी भूल होता है आस्ते आस्ते आम कमी कमी पलि आस आज भी देखिए बहुत पिला मैंने कम भूल होती आ भल खेली प्रदर्शन कर मिल्टन बिलुंग बिलुंग शेष प्रतिक्रिया जानापे चाहिए कि जोगाजोग पानी बिलुंग सहित तेज जागृति आप चाहिए कि चकदे इंडिया से गीत निश्चित भाव में आप शुणा चाहिए आप मूवी देखी थे शाहरुख खान से डायलॉग एवं भी रोमो टांकुरी उठे और समस्त भितर गोटे एनर्जी क्रिएट करे तेणु तो यही गोटे आटमोस्फियर बर्तमान सारा देश में सृष्टि होती निश्चिंत
अने आमे समस्ते एक तो एते इंडिया भल पोजिशन परफर्म करूची आम गोटे ब्रोंज गोटे सिल्वर अलरेडी पाई सारे एंड आहुरी बहुत एक्सपेक्टेशन अच्छे सब प्लेयर्स मानक सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम मुक एक्सपेक्ट कर हॉकी जहाँपाई आज आम चेयरअप करेंगे आम चाहूँ पूरा चक दे इंडिया मोमेंट आम समस्ते एथर मानते लाइवली फिल करूँ जमी सो मुझे गीत डेडिकेट करा चाहिए समस्त को जोड़ा कि चक दे इंडिया ही थी जो फाइनाल्स पूर्व गीतटी बाजुच्छे आम समस्ते इमोशनल भी थे एंड बहुत अधिक ग्रेसफुल थे सो से गीत डेडिकेट कर सब प्लेयर्स मानक तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान आई विश ऑल द प्लेयर्स ऑल द वेरी बेस्ट निति भाव में बहुत बहुत धन्यवाद जागृति बहुत बहुत धन्यवाद लाजरुस आम सहित रही थे पूर्वतन हॉकी खेला आम सहित रही थे मिल्टन बिलुंग आम सहित रही थे अमूल्य बिहारी आपको समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आलोचन में भाग नहीं थी तेणु निश्चित भाव में मनप्रीत सिंह को आउ रानी रामपाल एंड को अल दि बेस्ट के से भल परफर्म करूँ कारण कल मैच बेस्ट इंटरेस्टिंग हाँपाई जाए समस्त सारा देशर कौन सारा विश्वर नजर रही कि टीम इंडिया किभली भाव में परफर्म कर निश्चित भाव में उभय टीम को अल दि बेस्ट समय कार्यक्रम को रखा नमस्कार।